वाड़ी के दुगदामना इलाके में एक शराबी चाचा ने अपनी 7 वर्षीय भतीजे से दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिसर की महिलाओं ने मैदान की ओर दौड़ लगाई और बच्चे को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। यह वारदात रविवार को दोपहर में हुई। वाड़ी के दुगदामना इलाके में शराबी चाचा ने अपने 7 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिसर की महिलाओं ने मैदान की ओर दौड़ लगाई और बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। यह वारदात रविवार की दोपहर हुई है। आरोपी को नागरिकों ने अर्धनग्न हालत में थर दबोचा। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपी के फोटो और वीडियो भी बनाए। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी अक्सर शराब के नशे में महिलाओं को घूरता रहता था। सूचना पर वाड़ी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया है। 5 वर्षा ची मुलगी नुपुर गेली 35 वर्षा ची बाई नुपुर गेली आज स्वतःची पोरगी म्हणजे भावाची पोरगी आहे जी स्वतःची पोरगी आहे जेव्हा हा तिच्या सोबत करायला नाही गेला तेव्हा आता कोणत्या याला सोडा सांगा याच्या पहिली इतकी कंप्लेंट केली आहे भरपूर कंप्लेंट आहे पोलीस स्टेशन मध्ये अशी एक कंप्लेंट आहे की याला अजूनपर्यंत पकडलं असेल याला याच्या पहिलेच पकडलं असतं तर अशी घटना झालीच नसती ना। आता 7 वर्षाची पोरगी याच्या पुढे तो 1 वर्षाची पोरीला सोडेल का असं एकही व्यक्ती नाही एकही घर नाही गाव दुग्धामण्यामध्ये की ह्या कोणत्याच घरी घुसला नसेल म्हणून याला चट्ट्यापासून ड्रापासून सारा नुपूर पडते या माणसाने समाजात राहण्याच्या वृत्तीचा माणूस नाही हा। त्याने 5-6 केसेस केल्या या गावामध्ये याच्यानंतर अशा केसेस घडल्या नाही पाहिजे म्हणून याची विल्हेवाट कुठेतरी पोलिसांनी लावावी। 3-4 केसेस झाल्या त्याच्यावर काही कारवाई झालेली नाहीये। बरं आता ही 4थी-5वी केस आहे कुरुप यांनी नागरिकांची मदत करावी आणि याची काहीतरी विल्हेवाट लावावी। बरं इतर समाजामध्ये असेच कृत्य करत राहिला। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।